जदयू चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ सह ग्रामीण चिकित्सा सेवा समन्वय समिति की बैठक है। जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ में मैक्सिमम ग्रामीण चिकित्सक इसके सदस्य हैं। पूरे बिहार में 4 लाख ग्रामीण चिकित्सक जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ से जुड़ा हुआ है। इसके मान और सम्मान के लिए जो हमने 2020 से लड़ाई छेड़ी थी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने हम लोगों की बात को सुना, डॉक्टर एलवी सिंह ने प्रयास किया और पूरे बिहार के 4 लाख ग्रामीण चिकित्सकों को इसी जनवरी से प्रशिक्षण होना है और 1 वर्षीय प्रशिक्षण में उसके बाद परीक्षा होगी और उसके बाद प्रमाण पत्र मिलेगा। हमारे सभी ग्रामीण चिकित्सक भाई प्रमाण पत्र के बाद सम्मान के साथ अपना जन स्वास्थ्य सेवा से आम जनों की, गरीब जनों की, गरीब गुरुवा की सेवा कर पाएंगे। 4 लाख ग्रामीण चिकित्सक जो जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को और जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एलवी सिंह को तहे दिल से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। वही प्रशिक्षण है, चूंकि ये प्रथम बार है NIS के द्वारा दिया जा रहा है और इसमें बहुत ज्यादा जो है सो कानूनी समस्या आया। उसमें कुछ विरोधी लोग जो RMP का प्रमाण पत्र बेचते थे, उन लोगों का प्रयास था कि एक साथ काम अगर होगा तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। उन्होंने अड़ंगा लगाने का प्रयास किया था, इसी कारण विलम्ब हुआ और इसी जनवरी से अब जो है प्रशिक्षण शुरू होगा। समर्थन नहीं करते हैं, सबका जो गाइडलाइन है बता दिया गया है, अपने अधिकार क्षेत्र में रह करके सब लोग स्वास्थ्य सेवा करें और आगे कौन क्या कर रहा है वो जाने, हम उसकी जिम्मेदारी हम लोगों को नहीं। लेकिन हाँ ये है कि हमारे जो चिकित्सक हैं जो जन स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, उनको खा मखा के करके अगर कोई साजिश करके अगर फंसाएगा, इसका हम लोग विरोध करेंगे, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।